हम कंटेंट ऑफ लाइफ बदल नहीं सकते, परंतु हम जीवन में कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ बदल सकते हैं, अर्थात हम परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के तरीकों को बदल सकते हैं। जब मैं कहता हूं कि हम कंटेंट ऑफ लाइफ बदल नहीं सकते, मेरा मतलब है हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। तो जब सब कुछ आपके नियंत्रण में है, आपके हाथ आपके नियंत्रण में है, आपके पैर आपके नियंत्रण में है, आपकी आंखें आपके नियंत्रण में हैं, क्यों आपका दिमाग आपके नियंत्रण में नहीं है? जब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, तब आप अन्य कारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी कार को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप सही विचारों को चुनते हैं, तो सब कुछ आपके मन पर निर्भर है। जब आप एक नींबू निचोड़ते हैं, उसमें से खट्टा रस निकलता है। रस खट्टा है, लेकिन यदि आप उसमें थोड़ी शक्कर, थोड़ा नमक, थोड़ा मसाला मिलाना सीख जाते हैं, तो आप एक मज़ेदार पेय बना सकते हैं और नींबू पानी का आनंद उठा सकते हैं। जीवन में कई बार हम विवश हो जाते हैं, लेकिन यदि आप विचारों की सही श्रेणी चुनते हैं, तो आप अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और उसी परिस्थिति में शांतिपूर्ण और आनंदित रह सकते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को चुनने की आवश्यकता है। जब हमें कुछ पहनना हो, हम चुनते हैं। जब हमें कुछ खाना हो, हम चुनते हैं। तो क्यों हम अपने लिए सही विचारों को नहीं चुनते? क्योंकि वे विचार हमारी भावनाएं बनने वाले हैं और हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य हमारे निर्णयों को संचालित करने वाला है। हाँ, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, हम मौसम को नहीं बदल सकते। क्या हम किसी जगह के मौसम को बदल सकते हैं? नहीं, लेकिन हम हमारे कपड़ों को बदल सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। तो हम ही हमारे सुख और दुख के निर्माता हैं, इसलिए हमें चुनना सीखना होगा। हम दूसरों को अपने जैसा नहीं बना सकते, हम दूसरों को हमें प्यार नहीं करवा सकते, हम दूसरों को हमें समझना नहीं सिखा सकते। ये बुरी खबर है, हम नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। यदि आप विचारों की सही श्रेणी चुन सकते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में आप शक्तिशाली जीवन जी सकते हैं।